हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं बनाने वाली हूँ किशमिश, कैसे बनता है दिखाने वाली हूँ। तो वीडियो पे अंत तक बने रहें। वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो वीडियो को एंड तक देखें, स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ये अंगूर ली है और इसमें से मैं निकालूंगी जो इसमें गला हुआ है, इसको तोड़ूंगी अच्छे से, तब इसको अच्छे से धोएंगे। इसको मैं एक एक करके तोड़ूंगी, जो अच्छा है उसको मैं किशमिश के लिए रखूंगी और जो ख़राब है उसको खाने के लिए। तो मैं अच्छे से इसको मैं तोड़ लूँ। गाइस, इसको हम तोड़ लें, अब इसको वाश करेंगे। वाश के लिए मैंने पानी लाई हूँ एक कटोरे में, तो इसको मैं इसमें डाल दूँगी। अब इसको मैं प्लेट में निकालूँगी, तो चलिए निकालते हैं। पानी गर्म हो चुका है, अब इसमें अंगूर डालेंगे हम। इसका रंग 5 मिनट बाद इसको मैं निकालूंगी, जब तक इसका रंग ना आ जाए पीलापन। बीच बीच में इसको हम चला देंगे अच्छे से। इसका रंग पीला पीला आ रहा है और ये फट भी गया है, तो इसको और थोड़ी देर, मतलब 1-2 मिनट इसको उबाल लेंगे, तब इसको निकालेंगे। ये अब अच्छे से पक चुका है, अब इसको हम निकालेंगे। अब हम इस गैस को बंद करेंगे। गैस को बंद कर चुके हैं, अब इसको हम निकालेंगे इस प्लेट में। अब इसको हम निकालेंगे एक एक करके ताकि पानी ना रहे, अच्छी तरह से इसको निकाल लेंगे पहले। मैंने इसे पूरे अब निकाल चुकी हूँ। जिस पानी में अंगूर को बॉइल किए हैं उस पानी को आप ठंडा करके बाल भी धो सकते हैं, इससे बाल बढ़ता है। अच्छे सूती रुमाल में हम इसको अब इसमें डालेंगे अच्छे से। इसको एक एक करके फैला फैला के डालना है ताकि जल्दी सूखे। इसको मैं अलग अलग करके अच्छे से इसको मैं रख रही हूँ। मैं इसको अच्छे से मैं रुमाल में इसको डाल चुकी हूँ, अब इसको धूप में देंगे। अब मैं इसको धूप में डाल चुकी हूँ, पूरा कड़ा धूप है ताकि जल्दी से सूख सके ही। तो इसको धूप में, जब तक ये सूखे ना तब तक इसको धूप में डालना है। हमारा किशमिश बनके तैयार हो चुका है। इसमें इसको बनाने में 2 दिन लगे क्योंकि धूप नहीं था इसलिए। तो